है और एक तरफ चुनाव की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, इसको लेके रैली भी है, तमाम तरीके कार्यक्रम है, आपकी तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? धारा 144 लागू की गई है, उसका जो कंटेंट है उसको बढ़ाया गया है। जो आचार संहिता के तहत इस प्रकार से रैली की अनुमति होनी चाहिए, उसी प्रकार से अनुमति दी जाएंगी। शेष कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चुनाव को देखते हुए और जितने भी जुलूस और रैली और बाबा साहेब की जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनके दृष्टिगत कई मीटिंग्स कर ली गई हैं सभी थानों ने अपने स्तर पे, सीओज ने अपने स्तर पे, और मेरे और डीएम साहब के द्वारा भी आज इसमें सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक भी की जाएगी। कल हमने एक चुनाव की कंबाइंड बैठक भी कर ली है। मेनली जो चुनाव के तहत हमारी निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस की रहती है और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जो तैयारियां रहती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स को ब्रीफ करना, ट्रेन करना, और जब अभी नामांकन शुरू हो जाएंगे क्रमवार जो ड्यूटीज लगनी है उन सब की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको चिन्हित करके उन पे विभिन्न प्रकार की गुंडा, गैंगस्टर और निरोधात्मक अन्य कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। शांतिपूर्ण सभी त्योहार और चुनाव कराने के लिए औरैया पुलिस पूरी तरह तत्पर है, तैयार है।